हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने फिटनेस चैनल फिट लाइफ विद अंकुश में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सुपर नट के बारे में जो कि है बादाम। बादाम आपको पता है कितना हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं आपकी याददाश्त कमज़ोर है, बादाम खाओ, आपके शरीर में ताकत नहीं है, बादाम खाओ, इसके लिए बादाम खाओ, उसके लिए बादाम खाओ। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि बादाम में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी बॉडी को इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जाओ यार, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, साथ ही दबाओ नोटिफिकेशन बेल आइकन को। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो यार, व्यूज़ बढ़ाओ चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब बढ़ाओ। कब से इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट और कॉमेंट करते हैं। तो बात करते हैं बादाम के बारे में। तो बादाम के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, और इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है गुड फैट। बादाम एक बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट का। फैट दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। जो अच्छी फैट है वो बादाम में भर भर के पाई जाती है। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ रिच फैट। अब अच्छे फैट से जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो बादाम आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से इसमें जो दूसरा सब्सटेंस पाया जाता है, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी डाइट में इतना आम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। बट अगर आप रेगुलरली बादाम खा रहे हैं, दिन में 10 से 12 बादाम आप रोज़ के खा रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल और लोअर डाउन योर बीपी, और आपके डायबिटिक लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी पूरी करता है। तीसरा जो इसमें सबसे अच्छी बात है वो है विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी में, जो रिक्वायर्ड होता है। ये आपकी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसको एंटी एजिंग एजेंट भी बोला जाता है। तो आपकी जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब होती है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बादाम का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, ये एंटी कैंसर एजेंट भी हैं। जी हाँ, कैंसर आप लोगों को पता है बहुत ही तरह का होता है, और बादाम आपको बहुत तरह के कैंसर से बचाने में हेल्प करता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको बादाम डिस्ट्रॉय करने में, उनको वैनिश करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर लास्ट में बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। जी हाँ, लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि बादाम प्राइमरी सोर्स है प्रोटीन का। जी नहीं, बादाम प्राइमरी सोर्स है गुड फैट का, सेकेंडरी सोर्स है प्रोटीन एंड कार्ब्स का। अब इसमें प्रोटीन और फाइबर, आई वुड से प्रोटीन और फाइबर देन कार्ब्स। अब जो प्रोटीन और फाइबर हैं, ये आपकी हंगर को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। एक टाइम पे आप 12 से 14 बादाम खाइए तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियस ही बात है आपकी बॉडी में, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये था गाइस हमारा वीडियो आज का बादाम के ऊपर। आई होप आपको बादाम के सारे बेनिफिट्स पता लग गए होंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो डू इट, लाइक बटन शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में और ज़्यादा बेनिफिट के साथ। टिल दैट टाइम स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लेट्स मेक इंडिया बेटर प्लेस टू लिव इन।